हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फाइव अल्फाबेट पैटर्न्स फॉर बिगनर्स। ओके, तो अगर आप बिगनर्स हो और नॉर्मल पैटर्न्स 1-3 वाले आपको आते हैं, इन्हें हम अल्फाबेट पैटर्न्स में किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, बस इस वीडियो को मैंने लिंक किया है नंबर पैटर्न से। ओके, तो बस ये है कि इसके लिए मैं बस ये एज्यूम करूंगा कि आपको नंबर पैटर्न्स आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप बोलते हो यस, ये पैटर्न आपको आता है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के लिए रिक्वायर्ड है नंबर पैटर्न्स का आना। अगर नहीं आते हैं तो नंबर पैटर्न्स आप मेरे चैनल पर जाकर सीख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक देने वाला हूँ कि जिन पर्सन्स को नंबर पैटर्न्स आते हैं वो अल्फा पैटर्न्स को किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक बस यही है कि ये क्वेश्चन वन का फ्रेमिंग मैंने किया है नंबर्स में इस टाइप से। तो पहले आपको आंसर निकालना है नंबर्स का। ओके, अगर आप नंबर्स में स्ट्रांग हो, अल्फाबेट पैटर्न्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम आने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हम पूरा फोकस करेंगे नंबर पैटर्न्स पर। तो नंबर पैटर्न्स के लिए क्या क्या करेंगे, यहाँ पर रोज कितना है, 4 रोज हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 1-4 x का लूप लगा दिया, आउटर लूप, इनर लूप, हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव। ओके, ये कॉलम्स होते हैं, दीज आर कॉलम्स। तो ये रूल है नंबर पैटर्न्स को करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हम इनर लूप लगाते हैं। तो इनर लूप लगेगा 5 टाइम, y इज इक्वल टू 1, y लेस देन इक्वल टू 5, y प्लस प्लस। ओके, एंड यहाँ रो के अंदर आ रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज, तो हम यहाँ क्या प्रिंट करेंगे, x प्रिंट होगा या y प्रिंट होगा, तो यहाँ पर प्रिंट होगा y। एंड आउटर लूप के अंदर हम एक SOP LN दे देंगे, जिससे कि हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। ओके, न्यू लाइन पर आने के लिए। तो नॉर्मली क्या है, जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे ये नंबर वाला फॉर्मेट मिलेगा, ना कि अल्फाबेट। लेकिन हमारा टास्क क्या है, ये अल्फाबेट पैटर्न को सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना। तो यहाँ पर ट्रिक बस यही है कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, प्लस 64 ऐड करना है और इसे ब्रैकेट में डाल देना है, और इसका हम कर देंगे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ओके, बस अब क्या होगा, यहाँ पर y में 1 है, 65 प्लस होगा तो ये बन जाएगा 64 प्लस होगा तो ये बन जाएगा 65। ओके, तो यहाँ पर आएगा 65, और 65 का कैरेक्टर में कन्वर्जन कर दिया तो वो बन जाएगा a। नेक्स्ट टाइम आएगा 2 प्लस 64 मतलब 66, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, b में कन्वर्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट 65, 66, 67, 68 ये पैटर्न बन रहा है, उसको मैंने कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ट्रिक बस लगाना है। तो सभी प्रोग्राम्स में हम यही करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, इन्हें कन्वर्ट करेंगे नंबर पैटर्न्स में, और फिर उसके बाद आप इसे बस ये कन्वर्जन मेथड के थ्रू आप उसे अल्फाबेट पैटर्न्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये प्रोग्राम आपके लिए एज अ होमवर्क है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं आंसर आपको बता दूंगा इसका। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है देखते हैं, इसे भी नंबर में ही कन्वर्ट कर देते हैं। 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, क्योंकि जैसे ही नंबर पैटर्न आता है तो हम काफी कंफर्टेबल फील करते हैं कि ये तो हम चुटकियों में कर लेंगे। ओके, बट ABCD वाले नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इसमें कन्वर्ट करके बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये करने के लिए भी अब देखो, ईच एंड एवरी रो में वैल्यू आर डिफरेंट, इसका मतलब वाई प्रिंट होगा। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट इज 1, और ट्राइंगल शेप में मैंने बताया है कि आपको आई से कनेक्ट करना हो, एक्स से कनेक्ट करना होता है आउटर लूप से, तो मैंने यहाँ पर कर दिया एक्स। ओके, एंड आउटर लूप हमने 1-4 एग्जीक्यूट किया है। अब ये देखिए, क्या ये पैटर्न बन जाएगा जो मैंने यहाँ पर लगाया है, एक्स में 1 है, यहाँ पर 1 आएगा, ये 1 टाइम चलेगा, 1 आपका प्रिंट हो गया, राइट।
गुड, फिर न्यू लाइन आ जाएगी, उसके बाद एक्स में आएगा टू, तो ये टू टाइम चलेगा, तो वन और टू प्रिंट हो जाएगा। सही जा रहा है, अभी मैं काफी फास्ट समझा रहा हूँ, बिकॉज अगर आपको स्लोली समझना है नंबर पैटर्न्स को किस टाइप से करना है, तो नंबर पैटर्न्स वाले वीडियोस को मेरे देखिए, वहाँ पर इजिली आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कोड है ये किस टाइप से यहाँ पर आया है। ओके, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको नंबर पैटर्न्स आते हैं। ओके, तो ये आपने नंबर पैटर्न्स का कोड काफ़ी इजिली कर लिया है। अब नॉर्मली क्या करना है, इसे कन्वर्ट कर लेना है हमें कैरेक्टर में। तो कैरेक्टर में कन्वर्जन कोड मैंने अभी भी बताया आपको कि कैसे कन्वर्ट करना है। प्लस कर देंगे 64। अगर स्मॉल ए बी सी डी में आ रहा है तो 96 आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि स्मॉल ए का होता है 97। बस 96 और 64 याद रखना है आपको। तो यहां पर भी इसका आंसर आपका आ जाएगा। मैं इसे एग्जीक्यूट करके भी बता देता हूं, थोड़ा एग्जीक्यूशन तो लगता ही है। जब हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो ये रिजल्ट आ गया। इसमें गलती क्या हो रही है हमसे कि यहाँ पर भी गलती से हमने ln लगा दिया। ओके, तो हमें इसी टाइप से मिस्टेक से सीखना है। ओके, तो यहाँ मैं वीडियो से कट नहीं करूँगा, चाहता तो मैं कट भी कर सकता हूँ, बट मैं कट नहीं करूँगा। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइप से एरर आती है, तो यहाँ आपको ये मैं हाईलाइट पॉइंट करना चाहता हूँ कि गलती से भी ln नहीं डालना है आपको, आपको मेरी एरर से सीखना है। ओके, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स की भी सीरीज मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों की एरर्स बताता हूँ, खुद की भी एरर्स बताता हूँ। ओके, तो अभी हम दोबारा से इसे एग्जिट करते हैं। देखिए अभी सीधा पैटर्न आ गया। तो यहाँ पर बस ये है कि किस टाइप से आपको करना है। अब मुझे अगर ये वाला करना है, ओके, तो ये भी काफ़ी ईजी है, देखिए यहाँ पर। लेकिन वही ए बी सी डी में मत सोचिए, 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 के बेसिस पर सोचना है। तो यहाँ पर एंडिंग वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, तो यहाँ पर एंडिंग वैल्यू में हम यहाँ फिक्स कर देंगे 1, क्योंकि हम चेंजेबल वैल्यू नहीं रख सकते, और स्टार्टिंग वैल्यू कर देंगे x, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट रो था उसमें 1 था, सेकेंड रो में 2 से स्टार्ट हुआ है, थर्ड रो में 3 से स्टार्ट हुआ है, फोर्थ रो में 4 से स्टार्ट हुआ है। तो इनिशियल पॉइंट में मैंने x को कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पर रख दिया लास्ट में 1। अब और इसको फॉलो किया लेफ्ट टू राइट, ये क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट में जा रहा है। ओके, तो डिक्रीमेंट में जा रहा है, तो वाई माइनस माइनस आएगा, वाई माइनस माइनस आएगा। और माइनस माइनस के लिए मैंने हमेशा बताया है कि ग्रेटर देन साइन यूज करते हैं। ओके, तो ये भी हो गया, देखो कितना इजिली हो गया। ओके, तो इसे भी रन करके देखते हैं, क्या लगता है अभी गलत आएगा क्या आंसर? नहीं आएगा, देखो आ गया ए बी ए सी बी ए बी सी बी। तो ये एक्चुअली ये एक लिंक है। ओके, मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मेन चीज़ है अल्फाबेट पैटर्न्स को नंबर पैटर्न से कैसे लेकर आ सकते हैं। पहले आप नंबर पैटर्न्स को क्लियर कर लीजिए अच्छे से, आपके अल्फाबेट पैटर्न्स ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। ओके, डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये अगर मुझे करना है तो ये कैसे करेंगे, अगेन मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 4 4 3, इसमें आप मेरी हेल्प कीजिए कि कैसे ये होगा, 4 3 2 1, दोनों साथ में मिलके इसे सॉल्व करते हैं। मेरा एक लॉजिक और है, जब आपका वाई प्रिंट हो रहा है हमें यहाँ पता चलेगा कि यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, इनर लूप वेरिएबल प्रिंट होगा, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो वाई प्रिंट होगा। सभी में मतलब मैंने एग्जांपल ये लिए हैं कि वाई प्रिंट होगा। ओके, ये एक्चुअली ये सभी एग्जांपल रिलेटेड हैं जिसमें वाई प्रिंट हो रहा है। ट्राइंगल शेप में मैं एक लॉजिक बताता हूँ नॉर्मली, कि आपको इनर लूप से स्टार्ट करना है, आउटर लूप पे मत जाइए, पहले इनर लूप से स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर वाई प्रिंट हो रहा है और डिक्रीमेंट में जा रहा है, मतलब वाई माइनस माइनस सही है। आपका इनिशियली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप 4 कर दीजिए, यहाँ x नहीं आ सकता। अब आपका एंडिंग वैल्यू क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ पर अगर 4 और 3 की बात करेंगे तो 3 है, मतलब एंड आपका चेंजेबल है। तो यहाँ पर फिर हम एंड में कंडीशंस में हम क्या रखेंगे, x रखेंगे। ओके, और डिक्रीमेंट में तो ये जा ही रहा है। अब बात आती है कि ऊपर जो लूप हमने लगाया है उसमें क्या चेंजेस करने होंगे।
तो देखिए, अगर हमने 1 to 4 लगाया तो यहाँ 1 आ जाएगा, 4 से लेकर 1 तक चलेगा, तो आपका लास्ट वाला रो पहले ही आ जाएगा। अगर आप फील कर पा रहे हो तो ये गलत हो गया, हमें आउटर लूप को भी 4 to 1 चेंज करना पड़ेगा। अगेन मैं बोलूंगा कि ये सब चीजें मैंने डिटेल में समझाया है नंबर पैटर्न्स में, आप नंबर पैटर्न्स को अच्छे से देखिए, नंबर पैटर्न्स क्लियर हो जाएगा तो अल्फाबेट पैटर्न्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर भी ये आंसर आ जाएगा, एक बार करके देख लेते हैं। ओके तो देखिए रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर डी डी सी डी सी बी डी सी बी ए, तो जो कि आंसर सही है, यही हमारा रिजल्ट निकालना है। तो एक तरह से मैं यहाँ पर आपको केवल इस लाइन पर फोकस करना है, हाउ टू कन्वर्ट नंबर्स टू अल्फाबेट्स। ओके तो बस ये कन्वर्जन, बाकी का आपका जो प्रायर नॉलेज लगेगा वो नंबर पैटर्न्स वाला लगेगा। अगर आप बोलते हो नंबर पैटर्न्स आपके स्ट्रांग हैं तो उन्हें स्ट्रांग रहने दीजिए, ये ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो गए। सपोज नंबर पैटर्न्स आपके 20 हैं और वो आपको अच्छे से आते हैं, इसका मतलब अल्फाबेट पैटर्न्स उन्हीं से रिलेटेड 20 पैटर्न्स है तो वो भी आते हैं, तो टोटल पैटर्न्स 40 हो गए। आपको याद केवल 20 पैटर्न्स करने हैं, तो अल्फाबेट पैटर्न्स को प्लस कर दोगे ऑटोमेटिक 40 पैटर्न्स आपके हो जाएंगे। तो पैटर्न्स, ये जो अल्फाबेट पैटर्न्स हैं उनको आपको अलग से कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है। क्या लॉजिक लगाओगे, ऑल 5 प्रोग्राम्स में जो कन्वर्जन क्राइटेरिया वो तो सेम ही है, कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं कि इसके लिए हमने कुछ और चेंजेस किए, इसके लिए कुछ और चेंजेस किए, नहीं। तो आप शायद मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।